हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 9.3। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का एक टॉपिक है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कैरीड आउट द मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4p को मल्टीप्लाई करना है क्यू प्लस आर से। तो देखो कैसे लिखोगे, 4p को मल्टीप्लाई करना है क्यू प्लस आर से। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इस फर्स्ट एक टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4p को मल्टीप्लाई करोगे क्यू से, फिर 4p को मल्टीप्लाई करोगे आर से, ठीक है। तो 4p को मल्टीप्लाई करोगे क्यू से, फिर प्लस आने तो प्लस लगाओगे, फिर 4p को मल्टीप्लाई करोगे आर से। एक बार 4p को क्यू से मल्टीप्लाई किए, फिर 4p को आर से मल्टीप्लाई किए। अब देखो 4p इंटू क्या हो गया, 4pq, और 4p इंटू आर क्या हो गया, 4p इंटू आर, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सेकंड देखो, अब इसको ab को मल्टीप्लाई करना है, पहले a से फिर b से। अब कैसे करना, देखो ab ब्रैकेट के अंदर a-b, ठीक है। तो ab को एक बार मल्टीप्लाई करोगे a से, फिर ab को मल्टीप्लाई करोगे b से। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो ab को मल्टीप्लाई किया a से, फिर यहाँ पे साइन क्या है, इसको मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ पे साइन किस, इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस लिखे। फिर ab को मल्टीप्लाई किया किस से, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो a इंटू ए क्या होता है, जैसे अगर आपको a इंटू ए हो गया, ये होता है इसका पावर वन, इस पे पावर वन होता है, तो दोनों का पावर जो है एड हो जाता है, तो ए पे पावर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। इस तरह अगर b इंटू बी क्या होगा, तो b इंटू बी भी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां देखो a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और b है तो b लिख दिए, फिर प्लस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे a b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है 7a² b² से। क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है 7a² b² से। एक बार इस टर्म को a से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी बार इसी टर्म को b से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस टर्म को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7a² b² को हमने a से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लिखा, फिर इस टर्म को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7a² b² को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने बताया जैसे यहां पे ए स्क्वायर और ए लाइक टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अच्छे से, ए स्क्वायर इंटू ए, मैंने क्या बोला था कि अगर इसका बेस, ये भी ए है ये भी ए है, अगर उसका बेस सेम हो और पावर तुम्हारा डिफरेंट हो, पावर यहां पे डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, ऊपर का पावर जो है वो एड हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर a इंटू ए है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होता है, पावर एड हो जाता है, पावर क्या होता है, पावर पावर एड हो जाता है। तो यहाँ पे 2+1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 को 7 लिखे, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, इंटू बी स्क्वायर हो गया, फिर हमने प्लस किया, सेम यहां देखो 7a². अब बी स्क्वायर इंटू बी को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू बी, इसमें भी सेम होगा, यहाँ b पे पावर 2 है, यहाँ b पे पावर 1 है, तो क्या होगा, पावर 2+1, b पे पावर 3 हो गया, पावर क्या हो गया, पावर एड हो गया, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4, 4a को इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, 4a को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या लिखा, 4a² - 9 हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे लिखोगे
फोर ए को मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर से, फिर इसको माइनस नाइन से, फिर फोर ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नाइन से। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैंने यहां बताया था ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, इस पे पावर वन है, तो अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाता है, तो पावर यहां पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ए पे पावर क्यूब हो गया, इसको लिखोगे फोर ए रेस टू द पावर क्यूब। अब यहां पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, नाइन फोर जा 36 इंटू ए, 36 ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को मल्टीप्लाई करना है जीरो से, तो हम जानते हैं किसी भी टर्म को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, किसी भी टर्म को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड आपको दो दिया हुआ है और टेबल को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका क्या है, ए है और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, बी प्लस सी प्लस डी है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूं, थोड़ा टेबल नहीं बना रहा हूं, इसको प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी। अभी मैंने आपको सिखाया कि एक बार इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करो, अलग अलग टर्म से उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे देन ए डी हो गया, इस तरह इसका ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव एक्स वाई से, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव एक्स वाई से। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन तीनों टर्म्स, देखो एक्स प्लस वाई माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स वाई से, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, इसी टर्म को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई किए और ये टर्म को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको एक बार फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए, इसको एक बार सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए, इसको एक बार थर्ड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, लिखो पहले इसको कर रहे हैं फाइव एक्स वाई को, तो फाइव एक्स वाई को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस फाइव एक्स वाई को फिर वाई से मल्टीप्लाई किए, फिर फाइव एक्स वाई को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे सेम है x इंटू एक्स, मैंने सिखा चुका आपको कि x इंटू एक्स का क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस, हाँ फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, पी सिक्स पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस फाइव, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पी को मल्टीप्लाई करना है सिक्स पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस फाइव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पी को मल्टीप्लाई करो सिक्स पी स्क्वायर से, पी को मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन पी से, और पी को मल्टीप्लाई करो फाइव से, पी को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो पी को हमने क्या मल्टीप्लाई किया सिक्स पी स्क्वायर से, फिर माइनस लगाया, फिर पी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पी प्लस में तो प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेवन पी, फिर पी प्लस में तो प्लस लिखा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव से, मतलब एक टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से, फिर सेकेंड टर्म से, फिर थर्ड टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पी स्क्वायर इंटू पी, मैं सिखा चुका हूं आपको कि पी स्क्वायर इंटू पी क्या होगा, तो इस पे पावर टू है, इस पे पावर वन है, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसको लिखोगे सिक्स पी रेस टू द पावर थ्री,
इसको ऐड करना है तो p इंटू पी क्या होगा, पी स्क्वायर सॉरी माइनस सेवन पी स्क्वायर, इसको करोगे ये 5p आपका हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्राई कीजिए सेकंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ देखिए, सेकंड का फोर्थ a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना ए बी सी से, सेम है कि एक बार एबीसी को ए से मल्टीप्लाई करो, एबीसी को बी से मल्टीप्लाई करो और एबीसी को सी से मल्टीप्लाई करो। हमने क्या किया, ए बी सी को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी सी को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी सी को सी से मल्टीप्लाई किया, इसको से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए स्क्वायर बी सी प्लस बी इंटू बी ए बी स्क्वायर सी, और ये इंटू ये क्या हो गया ए बी सी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में बोल रहा फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2a पे पावर 22 इंटू 4a पे पावर 26, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, जैसे मैंने पहले का बताया था उसी तरह इसमें भी करना है, तो कुछ नया नहीं है, सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल, मैंने क्या बोला इसमें मल्टीप्लाई करना, तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म देखो, ए स्क्वायर हो गया, 2a पे पावर 22 हो गया और 4a पे पावर 26 हो गया। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, इसमें 4 और 6 है, 4 टू जा 8। अब देखो, अब जो वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, a पे पावर कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ a पे पावर क्या है 22 है, यहाँ a पे पावर क्या है 26 है, इस वैल्यू की इसकी वैल्यू अलग अलग है, तो क्या करेंगे इसको, इसको एड कर देंगे, तो 8a पे पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 8a रेस टू द पावर 50a, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, 2 अपॉन 3 एक्स वाई माइनस 9 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से 2 अपॉन 3 माइनस 9 अपॉन 10, अब एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपली हमने कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, 3 3 9 2 5 10, तो ये क्या हो गया माइनस 3 अपॉन 5। अब यहां पे समझिए आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत बार इसमें, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, सेम इस पे पावर 1 उस पे पावर 2 दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 अपॉन 5 एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब एंड वाई रेज़ टू द पावर क्यूब, इसका ये आंसर हो गया बच्चों। आप देखिए थर्ड का थर्ड, -10 अपॉन 3 पी क्यू क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 6 अपॉन 5 पी क्यूब इंटू क्यूब, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे इसमें आप देखो, सिंपल कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ, तो -10 अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 5 और ये वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कुछ सम बढ़ रहा है इसमें क्या, 3 5 2 10 3 2 6, ये क्या हो गया -2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे पी क्यूब इंटू पी है, मैं बता चुका हूं आपको कि p इंटू पी क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पावर क्या है 1 है,
मैंने बताया था आपको कि अगर बेस डिफरेंट हो, सॉरी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 1+3 क्या हो गया, पी रेज़ टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पे इसको आप लिखोगे पी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सेम क्यू, यहाँ पे 3+1, इसको लिखोगे -4, पी रेज़ टू द पावर 4 एंड क्यू रेज़ टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स पे पावर 4, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या बोला कि अलग अलग टर्म है, इस टर्म को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, टर्म को ऐड करने मतलब पावर को ऐड कर दोगे, 1+2+3+4 क्या होगा, 4+3=7, 8, 9, 10, तो क्या हो गया, x रेज़ टू द पावर 10 हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह आपका 9.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया। ओके बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।